वाचक प्रदीप मिश्रा के द्वारा की गई राधा रानी पर टिप्पणी को लेकर बरसाना से लेकर पूरे कृष्ण के नगरी में विरोध का माहौल था, और ऐसे में आज प्रदीप मिश्रा ने बरसाना जाकर राधा रानी के मंदिर में माफी मांगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुमित श्रोत्रिय सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो आपको बता दें कि प्रदीप मिश्रा द्वारा राधा रानी पर टिप्पणी करने का ये पूरा मामला है, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित श्रोत्रिय सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुमित, प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी पर टिप्पणी की थी, जिसको लेके बरसाना मथुरा से लेके वृंदावन में रोष का माहौल था। ब्रजवासियों ने कहा था कि उन्हें बरसाना की सीमा में एंट्री नहीं लेने देंगे, लेकिन आज उन्होंने बरसाना के राधा रानी मंदिर में जाके माफी मांग ली है। तो इस वक्त ब्रजवासियों का उत्साह कैसा बना हुआ है? कहीं ना कहीं कथावाचक ने अब माफी भी मांग ली है, तो क्या ब्रजवासियों ने भी उन्हें माफ कर दिया है? देखिए आकांक्षा, मैं आपको बता दूं कि प्रदीप मिश्रा जो मशहूर कथावाचक अपने आप में है और शिव कथा के वो कथावाचक हैं, और पूरी देश में ही नहीं पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले लाखों करोड़ों भक्त हैं। और वही उन्होंने शिव कथा के दौरान जो राधा रानी के ऊपर, जो मैं इस समय मौजूद हूँ बरसाना के विश्व प्रसिद्ध राधा रानी के मंदिर पे, जो राधा रानी का घर है, जो श्री कृष्ण की आराध्य जो राधा है उनका ये घर है, और मैं यहीं पे मौजूद हूँ, और यहीं पे आके प्रदीप मिश्रा ने माफी मांगे। मैं आपको पूरा वाकया बताऊं कि प्रदीप मिश्रा ने अपनी शिव कथा के दौरान जो राधा रानी के ऊपर जो अमर्यादित टिप्पणी करी थी कि कृष्ण के जो पत्नियां हैं उनमें राधा रानी का नाम नहीं है, और राधा रानी के जो पतियां हैं उनमें श्री कृष्ण का नाम नहीं है, जो इसको लेके जो उन्होंने जो यौ लगाया था, जो यहाँ लगाई थी उसको लेके जो श्री कृष्ण कहा था और राधा रानी के पति यौ में कहा था, तो इसको लेकर जो ब्रजवासियों में जो रोष देखने को मिला था, इसका जो अच्छा खासा विरोध यहाँ पे बरसाना में पूरे ब्रज मंडल में देखने को मिला। वही मैं आपको बताऊं तो उन्होंने अपनी कथा के दौरान यह भी कहा था कि वर्ष में एक बार आना, इसलिए इसका नाम बरसाना पड़ा, और जो कि राधा रानी का यह गांव माना जाता है। और इसको लेके भी ब्रजवासियों ने रोष दर्ज कराया था कि राधा रानी तो यहीं की रहने वाली है, वर्ष में क्यों आएंगी। इसको लेके जो यहाँ पे जो ब्रज में विरोध हुआ था, उनका जो पुतला दहन किया गया था, आज प्रदीप मिश्रा श्री जी के महल बरसाना में आए और उन्होंने जो यहाँ पे जो उनको जो डर लग रहा था कि विरोध ना हो या कोई उनसे कुछ कहना दे, उसका भी अच्छा खासा ध्यान रखा गया था। पूरी सुरक्षा के बीच प्रदीप मिश्रा, मशहूर कथावाचक प्रदीप मिश्रा को यहाँ पे लेके आया गया था। और यही मैं आपको बताऊं, उन्होंने गोवर्धन में भी माफी मांगी और जतिपुरा में भी माफी मांगी है, गिरिराज जी के आगे उन्होंने माफी मांगी। उसके बाद प्रदीप मिश्रा गोवर्धन जतिपुरा से सीधे बरसाना आए, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनको बरसाना के राधा रानी मंदिर में लेके आया गया, और चाक चौबंद पूरे इंतजाम सुरक्षा के किए गए थे, चप्पे चप्पे पे पुलिस मौजूद रही थी। इस दौरान जैसे ही प्रदीप मिश्रा श्री जी के महल में आए और जैसे ही वो श्री जी के सामने आए, उन्होंने सीधे हाथ जोड़ के राधा रानी से माफी मांगी, और उसके बाद अपनी नाक यहाँ पे श्री जी की चौखट पे उन्होंने रगड़ी है। और यही वो उन्होंने यह भी कहा था कि मुझ पर जो मैंने अपनी कथा के दौरान जो श्री जी पे जो राधा रानी पे जो टिप्पणी की है, मैं उस चीज को मैं वापस लेता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ ब्रजवासियों, और राधा रानी मुझे माफ करे। तो उन्होंने अपनी नाक को कम से कम 5 मिनट तक उन्होंने रगड़ा है श्री जी के आगे, और उन्होंने बार बार कहा है कि मैं आगे से जो अपनी कथा के दौरान भी मैं अपनी माफी को दोहराऊंगा, अपनी जहां जहां पे मेरी कथा होगी मैं उस कथा के दौरान भी कहूंगा कि मेरे पे जो गलती हुई है उसको राधा रानी क्षमा करें, कृष्ण क्षमा करें। और यही मैं आपको बताऊं, ब्रज के संतों ने भी कहा था कि ये क्षमा मांगने वाला अपराध नहीं है, क्योंकि राधा रानी की जो अगर मन में भी सोच जाता है तो उसके भी कई जन्मों के जो पुण्य है वो क्षीण हो जाते हैं, उनको बहुत नीची योनि में जो है जन्म मिलता है। वही उसके बाद जो प्रदीप मिश्रा यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे उन्होंने श्री जी के महल में श्री जी के सामने माफी मांगी, और इसके गवाह हजारों श्रद्धालु बने थे। मैं आपको बताऊं, आप विजुअल में भी साफ देखेंगे कि हजारों श्रद्धालुओं से श्री जी का महल खचाखच भरा हुआ था। जैसे ही प्रदीप मिश्रा श्री जी के आगे नतमस्तक हो गए, बिल्कुल लौट गए, और वैसे ही श्री जी के महल में राधे राधे के जयकारे से जो पूरा महल गुंजायमान हो गया, और अभी अपने आप में ब्रजवासियों के साथ जो यहाँ पे जो हजारों श्रद्धालु आए थे वे अपने आप में जीत को मना रहे थे, कि जैसे कि उन्होंने कहा था कि ब्रजवासी में धेनुकासुर नाम का राक्षस घुस गया है, तो इस चीज का भी काफी विरोध हुआ था। सभी ने इस चीज को दोहराया कि आगे से कोई भी कथावाचक ऐसी गलती ना करे, श्री कृष्ण और श्री राधा रानी ब्रजवासियों की नहीं समस्त देश की आराध्य मानी जाती है, और यह तो प्रेम की और दिव्य की मूर्ति मानी जाती है। जी आकांक्षा,
जी वाकई में सुमित, जैसा कि प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि वो बरसाना की नहीं है, उसको लेके काफी आक्रोश हो गया था, लेकिन अब जब उन्होंने माफी मांग ली है तो ब्रजवासियों में खुशी का माहौल है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि प्रसिद्ध कथा वाचक प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के लिए टिप्पणी की थी, इसके बाद में ब्रजवासियों में इसके साथ साथ बरसाना से लेकर मथुरा तक काफी ज्यादा विरोध दिखाई दिया था, और इसके बाद में प्रदीप मिश्रा ने आज वहां जाके माफी मांगी। श्री जी के मंदिर में उन्होंने दर्शन किए और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब वो जहां भी कथा करेंगे इस बात का जिक्र जरूर करेंगे, और इसके साथ ही अब इस बात को लेकर ब्रजवासियों ने भी उन्हें माफ कर दिया और उनमें भी खुशी का माहौल है। और फिलहाल के लिए हमारे